बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अंतिम भाग। जी हाँ, भारतीय अर्थशास्त्र का ये है आज अंतिम भाग। इसमें हम कवर करेंगे मुद्रा स्फीति का प्रभाव, व्यापारिक संगठन, महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली कौन कौन सी होती है, उनका सही अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे विविध तथ्य के बारे में। तो ये सभी टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक में से। अभी मैं आपको डिस्प्ले पे ये बुक दिखाऊंगा, एक एक पेज को आपको समझाऊंगा। ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं आपके लिए, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखते समय आपके हाथ में, आपके पास में ये बुक होगी और आप भी मेरे द्वारा बताए गए हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे या फिर किसी हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है, इन केस 1% मानता हूँ कि अगर आप ये चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाकर के ये बुक किसी मार्केट से परचेस कर लीजिए। उसके बाद में लूसेंट जी के वीडियो की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको इस बुक से संबंधित तमाम वीडियो मिलेंगे। एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपके पास डाटा की कोई दिक्कत नहीं है, डाटा इन द सेंस कि इंटरनेट का कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आप एक वीडियो को कम से कम 2 बार वॉच करना। एक बार आप सिंपल देखेंगे और अपनी बुक को अंडरलाइन करेंगे, सेकेंड टाइम दोबारा देखेंगे, अपनी अंडरलाइन पहले से करी गई बुक को उसके साथ मैच करेंगे और बोल बोल के पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी बार आपको वीडियो नहीं देखना है, तीसरी बार आपको बिल्कुल भी वीडियो टच नहीं करना है, बस रिवीजन करना है अपनी बुक में से। इतना करेंगे पूरी बुक आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए वगैरह वगैरह, ये मुझको बताने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो ग्रेड डी, या फिर आप तैयारी कर रहे हो किसी पोस्टमैन की, जी हाँ, या फिर आप तैयारी कर रहे हो किसी सीजीएल एग्जाम की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जीएस पेपर 1 की, वहां तक ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। ये बुक करेगी आपका बेस स्ट्रांग, आपको देगी एक अनोखा कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस आपको बनाना है अपने पास में, एग्जाम में जाने से पहले अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है, जो पढ़ा है आपको उस पर विश्वास रखना है, तो देखना आपका एग्जाम बहुत जल्द क्रैक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चलिए, मुद्रा स्फीति का प्रभाव, एक्चुअली इससे पिछले जो भी टॉपिक थे 300 से ऊपर के पेज हम कवर कर चुके हैं, पेज नंबर 300 आप ओपन कर लीजिए, अदरवाइज आप ओपन करना मुद्रा स्फीति का प्रभाव। आप पेज के स्टार्टिंग में जाइए, विषय सूची में आपको वहाँ पे ये टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अपनी बुक के पेज नंबर पे आ सकते हैं। तो कैसे आना है, क्या आना है, तो ये मैं आपको ज़्यादा नहीं डिस्कस करूंगा। बात करते हैं मुद्रा स्फीति का एक्चुअली प्रभाव क्या क्या होता है। इससे पहले हमने डिस्कस करा था आपसे, देखिए मुद्रा स्फीति क्या होती है इससे पिछले पार्ट में, और हमने बात करी थी मुद्रा स्फीति वह स्थिति होती है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य क्या होता है इसमें गिरता है। चलन स्फीति क्या होती है ये भी डिस्कस करा था। हीनार्थ प्रबंधन किसे कहते हैं, या फिर बजटीय स्फीति क्या होती है, खुली मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं अगले पेज की तरफ बढ़ रहा हूँ, इसमें है मुद्रा स्फीति का एक्चुअली प्रभाव क्या होता है। तो इसका जो प्रभाव होता है, उत्पादक वर्ग को लाभ होता है इसमें। उत्पादक वर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे होते हैं आपके किसान, उद्योगपति, या फिर कोई व्यापारी मतलब बिजनेसमैन, इनको होता है लाभ की प्राप्ति। मुद्रा स्फीति का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है किसानों पर, उद्योगपति पर और व्यापारियों पर। फिर हम बात करते हैं ऋणी मतलब जो कर्ज लेने वाले जो लोग होते हैं, ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को इसमें क्या होती है, हानि होती है। उसके बाद में निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है, जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को इसमें लाभ होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है, धनी वर्ग एवं धनी तथा निर्धन वर्ग, और निर्धन मतलब गरीब पे गरीब होता चला जाता है, अमीर वर्ग अमीर होता है, गरीब वर्ग गरीब होते जाता है। तो व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है, क्योंकि आयात मतलब इम्पोर्ट में वृद्धि होती है तथा निर्यात में इसमें कमी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा स्फीति क्या होती है, उसका क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से वर्ग पे पड़ता है। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इंटरव्यू, जैसे आप किसी कोई एग्जाम में आप फेस करोगे इंटरव्यू, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे अराइज कर सकता है, आपके सामने ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, आपको सही आंसर देना पड़ेगा। तो स्टेट पीसीएस के जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन पॉइंटों को ध्यान में रखना। मैं फिर बढ़ता हूँ आगे। आगे हम देखते हैं मुद्रा संकुचन क्या होता है, या फिर मुद्रा अब स्फीति क्या होती है। देखिए, यह मुद्रा स्फीति की विपरीत मतलब अपोजिट एक पोजीशंस होती है, एक अवस्था होती है। इसमें मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है, और वस्तु एवं सेवाएं क्या होती हैं, इनका मूल्य क्या होता है, घट जाता है।
तो यहाँ से क्वेश्चन सबके एग्जाम में ये बन जाता है कि कौन से कंडीशन में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तु एवं सेवा का मूल्य जो होता है वो घट जाता है। तो वो स्थिति क्या कहलाती है? वो कहलाती है मुद्रा स्फीति की विपरीत अवस्था, मतलब मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अवस्फीति। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से ही बनते हैं आपके सामने, वो कुछ डाटा वगैरह अपना सेंटेंस वगैरह कुछ हेरफेर कर देगा। देखिए बाकी इंपॉर्टेंट इतनी चीज नहीं है, तो आपको अब याद रखनी है मुद्रा अपस्फीति क्या होती है। मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रिया होती हैं, वे नीतियां होती हैं, वे उपाय आते हैं जो मुद्रा स्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, लॉरेंज वर्क क्या होता है? लॉरेंज वर्क आपने, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे आपको ये पता होगा। देखिए लॉरेंज जो कर्व है ये आय के वितरण में व्यापक विषमताओं को दर्शित करने वाले वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं, और लॉरेंज वस्तुतः आर्थिक विषमता की माप करता है। तो लॉरेंज वक्र क्या करता है? तो ये करता है आपका आर्थिक विषमताओं की माप। ये ध्यान रखना आप लोग, आर्थिक विषमताओं की माप कौन करता है? तो ये करता है आपका लॉरेंज वक्र। फिर हम बात करते हैं गिनी गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ गिनी। आय या संपत्ति के वितरण में व्यापक असमानता की सांख्यिकी माप कराती है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक क्या कहलाती है? तो ये सेंटेंस आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं फिलहाल की, विकास का सिद्धांत दादा भाई नरोजी ने दिया था। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नरोजी ने। उसके बाद हम बात करते हैं फिलहाल वैट के बारे में। तो मूल्य वर्धित कर क्या होता है, वैट क्या होता है? देखिए प्रथम प्रतिपादक थे इसके एफ वॉन सीमेंस। तो ये नाम आप याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, और वैट के बाद में इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया था, दोबारा पूछा जा सकता है। तो न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था जे एस मिल ने, और जीरो बेस बजटिंग ये दिया था पीटर पायर ने। आईएमएफ की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, इसका निर्णय लिया गया था, और 1 मार्च 1947 में इसका कार्य स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इसमें मार्च 2010 ईस्वी में कुल 186 राष्ट्र सदस्य थे। नवीनतम सदस्य देश कौन से थे? ये थे आपके कोसोवो। गैट पढ़ते हैं हम लोग, GATT गैट। तो गैट अर्थात होता है आपका प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था, 1 जनवरी 1948 ईस्वी से ये लागू हुआ था। तो गैट के मूल सिद्धांत क्या क्या होते हैं, इसके सिद्धांत आप याद रखना हो सके तो ये होते हैं सिद्धांत, समान प्रशुल्क की नीति, परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना, तथा व्यापारिक वाद विवाद का लोकतांत्रिक तरीके से निपटारा करना। 12 दिसंबर 1995 को गैट का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, और 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसका स्थान WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय आप काफी इंपॉर्टेंट जो संगठन है उन सबके आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का, WTO का, ILO का, और RBI का, या फिर आप याद रखना तो कुछ इंपॉर्टेंट संगठन है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले अपने वीडियो में, तो वो भी आप याद रखना। फिलहाल आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्था निर्यात आयात, मतलब एक्जिम बैंक बोलते हैं, एक्स से बना एक्सपोर्ट, आईएम से बना इम्पोर्ट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। महत्वपूर्ण शब्दावली देखिए ये डिस्कस कर रहे हैं हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे अब। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होती है? यह किसी अवधि विशेष में देश की सीमा के अंदर उत्पन्न समस्त वस्तुओं एवं सर्विस, मतलब सेवाओं का मौद्रिक मूल्य की वह मात्रा होती है जो दो बार गिने बिना मापी जाती है। इसको केवल एक बार ही काउंट करा जाता है, और साधारण कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो इन शॉर्ट कहानी बस समरी में इतनी है कि कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? राष्ट्रीय आय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, या फिर इसका फॉर्मूला बन सकता है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद GDP प्लस शुद्ध विदेशी आय, या माइनस मूल्य ह्रास, या फिर माइनस करेंगे हम लोग अप्रत्यक्ष कर प्लस करेंगे सब्सिडी। अब हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश की सीमा के अंतर किसी भी दी हुई समय अवधि प्राय एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है?
इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास की राशि घटा देने के उपरांत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया जाता है। गरीबी पॉवर्टी सामान्यतः न्यूनतम सामाजिक जीवन स्तर से नीचे की दशा होती है। पॉवर्टी गरीबी क्या होती है, न्यूनतम सामाजिक जीवन का जो स्तर होता है उससे भी नीचे की दशा कहलाती है। क्या कहलाती है, गरीबी। तो योजना आयोग के द्वारा गठित टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का उपयोग प्रति व्यक्ति से कम का उपभोग स्तर की स्थिति क्या कहलाती है, ये कहलाती है गरीबी। हमारी इकोनॉमी किस प्रकार की इकोनॉमी है, तो ये है आपकी मिश्रित इकोनॉमी और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी हैं, देखिए महत्वपूर्ण समितियां बहुत सारी हैं लेकिन हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे केवल 4 से 5। तो महाल नोबी समिति का जो संबंध है वो किससे है, वो है राष्ट्रीय आय से। और रंगराजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, ये है भुगतान संतुलन से। राजा चलैया समिति का संबंध है टैक्स सुधार से। और सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी से। अब हम बात करते हैं अवमूल्यन क्या होता है, डिवोल्यूशंस क्या होता है। डिवोल्यूशंस जो होता है, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है, कोई और नहीं करता, ये करती है सरकार खुद। अब हम बात करते हैं विमुद्रीकरण डीमोनिटाइजेशन जो भी हाल ही में हुआ था, जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसे दूर करने के लिए करते हैं विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार पुरानी मुद्रा को पूरी तरह से समाप्त करती है। ये पॉइंट काफी न्यूज में हाईलाइट रहा जब नोटबंदी स्टार्ट हो गई, जब आप लगे होंगे एटीएम की लाइन में, जब आप लगे होंगे बैंक की लाइन में, तो उस समय आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से पता कर ली होगी। पहले इसके बारे में आपको नहीं पता होगा लेकिन अब बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे स्वर्ण मान के बारे में। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा या मुद्रा के मूल्य सोने में मापा जाता है तो इसे कहते हैं मौद्रिक व्यवस्था का स्वर्ण मान कहते हैं। अब किसी देश में स्वर्ण मान नहीं है, ठीक है, स्वर्ण मान कौन से देश में है, तो ये किसी भी देश में नहीं है, ये आप याद रखना। मुद्रा स्फीति क्या होती है, मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति वह अवस्था होती है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से याद रखना, क्या आर्थिक दृष्टि से सीमित वे नियंत्रित मुद्रा स्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि जो होती है उसको प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रा स्फीति हानिकारक हो जाती है। टैरिफ क्या होता है, किसी देश द्वारा आयात मतलब इंपोर्ट पर लगाए गए टैक्स को हम कहते हैं टैरिफ। अब आप देखिए फ्लोटिंग स्टॉक क्या होता है, किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है, ठीक है, ये आप याद रखना। हंग अप क्या होता है, जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफी नीचे चला जाता है, ठीक है, डाउन हो जाता है, तथा ऐसी स्थिति में अधिक घाटा उठाकर शेयर बेचने के बदले वह निवेशक भविष्य में उसके भाव बढ़ने की आशा करता है, उम्मीद करता है, उस शेयर को क्या करता है कुछ टाइम के लिए होल्ड पर डाल देता है। जैसे आप ऑनलाइन कोई शेयर परचेज करते हैं, आपको लगता है कि जो मैंने शेयर परचेज करा था उसकी मार्केट वैल्यू अभी बहुत नीचे है, मैंने कोई चीज अगर 100 रुपए की परचेज करी है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू अभी 70 रुपए की है। अगर आप नीडी हैं, जरूरत आपको है, तो आप 70 रुपए में बेच देंगे, आप लॉस में उसको सेल कर देंगे, लेकिन आपको उम्मीद है कि ठीक है मैं कुछ टाइम पे इसको होल्ड कर सकता हूं, तो वो कराएगा आपका क्या कराएगा, हैंग अप, ठीक है, याद रखना। विविध तथ्य में हम बात करते हैं कि विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008 में जीडीपी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, कितने नंबर की है, 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती है। और दाल के उत्पादन में भारत की विश्व में पहला स्थान है, सबसे ज्यादा दाल कहाँ मिलती है, ये मिलती है मध्य प्रदेश में, याद रखना। बिग पशु थ्योरी आर रॉडन ने दिया था। और उसके बाद में विश्व में सबसे ज्यादा सहकारी संस्थाएं कहाँ पर है, तो ये है भारत में। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है, किस मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं, तो ये कहते हैं साख मुद्रा को, याद रहना साख मुद्रा। उसके बाद में भारत में निवेश करने वाले अग्रणी देशों में मॉरिशस, अमेरिका तथा ब्रिटेन है।
भारत में मैक्सिमम निवेश कौन करते हैं? मॉरिशियस, अमेरिका और ब्रिटेन, ये तीन देश मैक्सिमम सबसे ज़्यादा भारत के अंदर निवेश करते हैं। भारत में डीजल बनाने वाला पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1932 में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र में, सतारा में। और भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 24, और राज समिति ने कृषि जोतों पर टैक्स लगाने की संस्तुति की थी। और नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की स्थापना कौन सी उसमें हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में, याद रखना। और भारत में गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना के अंतर्गत दिया था? तो ये नारा दिया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात मतलब इम्पोर्ट पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। दोपहर भोजन योजना जो आपको स्कूल में मिलता है, MDM योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 1995 में। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है आपके स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त होना मतलब रिटायरमेंट लेना, VRS लेना, ठीक है। तो ये है आपका गोल्डन हैंड शेक, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था, कई बार, और आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना काफी अधिक है। भारत में सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स लगाने के लिए कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था? तो ये था आपका 28वां संविधान संशोधन। तो 28वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है आपकी सेवा कर से। और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? श्वेत पत्र। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। इस चैनल पे आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो। आज अभी तुरंत जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए इन सभी के वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है आपको डेली चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो शायद आपने बेल आइकन पर क्लिक ना कराओ, तो अगेन अनसब्सक्राइब करें, दोबारा से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और एक छोटी सी सूचना उन बच्चों के लिए जिनको ये लग रहा है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें स्किप करवा दी हैं। तो सबसे पहले आप क्वांटिटी पर फोकस मत करिए, आप फोकस करिए केवल क्वालिटी पर। आपको लगता है कि मैंने कुछ कम चीज़ें हाईलाइट कराई हैं, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है पूरी बुक को तो आप पूरी बुक को इस जो कलर का ये जो होता है डिस्टेम्पर नैरोलैक का डब्बा आता है उसमें इस टाइप का ब्रश भिगो दीजिए और पूरे पेज पे इसको फेर दीजिए, आपके लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट मेरे अकॉर्डिंग वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उसको स्किप कराया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सर आपने ये स्किप करवा दिया, वो स्किप करवा दिया। तो सभी पढ़ना है तो फिर सभी आप कोई बुक मार्केट से परचेज करके हर एक एक लाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना मैंने हाईलाइट कराया वो आपको पता होना चाहिए, आपके हर एक एग्जाम के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ज्वाइनिंग के बाद अगर आपको हर लाइन पढ़नी है, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना है कि तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी टारगेट केवल उतना पढ़ना है हमारा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है हमें वही टॉपिक डिस्कस करने हैं इस बुक में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।